बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने ही भाजपा को बड़ा झटका दिया है। भाजपा की पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक लुईस मारांडी, पूर्व विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बरगोड़ा कुणाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली, पूर्वी सिंहभूम के भाजपा जिला अध्यक्ष बारी मुर्मू व भाजपा नेता बॉस्को बेसरा पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सोमवार की रात झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। बता दें, सभी नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर मुलाकात की और पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर झामुमो के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सभी को पार्टी का अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में शामिल किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद लुईस मारांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा निर्णय लेते हुए उन्हें दुंगा के बजाय बरहेट विधानसभा सीट से टिकट दिया, जिससे वह काफी नाराज थी। लुईस मारांडी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं के सम्मान जैसी कोई बात नहीं। देखिए, अभी अभी हम बोल रहे थे कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण किया है या झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हम शामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिस्थिति सामने आ गई थी कि और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और एक हर हवा पानी ईंटा पत्थर हर चीज़ से एक चीर परिचित हम वहाँ से हैं, तो इसीलिए हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद भी पार्टी ने घोषणा भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया। वहीं भाजपा से मोह भंग होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बनने के बाद कुणाल सारंगी ने कहा कि यह उनके लिए घर वापसी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में पुनः शामिल होने के लिए उन्होंने पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और गांडे विधानसभा की विधायक कल्पना सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। इधर गणेश माली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के बाद सीधे तौर पर चंपई सोरेन पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चंपई सोरेन के शामिल होने के साथ ही उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। गणेश माली ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए सरायकेला खरसावा में काम करना उनके लिए स्वाभाविक नहीं था। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजेक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य हमने ज्वाइन किया और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, कौन लड़ेगा चुनाव? देखिए, तो आप हेमंत को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे।